Cause I just wanna go, go, go to the deep end. दोस्तों टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज आप सभी लोगों को मैं ऑक्सीजन ओएस 11 का एक फर्स्ट इंप्रेशंस और हैंड्स ऑन दूंगा, साथ में अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि ये कैसा है अगर उसको ऑक्सीजन ओएस 10 से हम कंपेयर करते हैं। साथ में मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा है जिसमें वन यूआई चल रहा है, तो बहुत जगहों पर बातें हो रही है कि ऑक्सीजन ओएस 11 जो है वो वन यूआई से कॉपी हुआ है वगैरह वगैरह, तो वो भी हम कंपेयर करेंगे। और हमारे पास एक और वन प्लस 8 प्रो है, ये भी वन प्लस 8 प्रो वैसे, तो इसमें ऑक्सीजन ओएस 10 चल रहा है, तो उससे भी कंपेयर करके देखेंगे कि ऑक्सीजन ओएस 10 से ऑक्सीजन ओएस 11 जो है वो कितना अच्छा आपको मिलता है। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को ऑक्सीजन ओएस 11 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। अब यहां पर दोस्तों मेरे पास तीन फोन से और बीच वाला जो है वो OnePlus 8 Pro है जिसमें ऑक्सीजन ओएस 11 चल रहा है, यहां पर भी OnePlus 8 Pro है जिसमें ऑक्सीजन ओएस 10 है, और उसके बाद Samsung का S20 Ultra है जिसमें One UI है। तो मैं सिर्फ इसको रेफरेंस के लिए रखा हूं, जब मुझे लगेगा कि कुछ चीजें सिमिलर लग रही है तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। आते दोस्तों यहां पर ऑक्सीजन ओएस 11 पर, सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट में जाते हैं तो देखेंगे आपको एंड्रॉइड 11 यहां पर जो दिखाई दे रहा है, और वैसे कुछ खास यहां पर चेंजेस नहीं है। अगर मैं इसके सेटिंग्स में और इसके अबाउट में जाता हूं तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे फर्क है, बाकी सब कुछ आपको यहां पर ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। ये ऑक्सीजन ओएस 11 दोस्तों अभी बीटा में, तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं, जब स्टेबल होगा तो ही आप इसको जाके ट्राई करना। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों लेआउट से, यूजर इंटरफेस से, एनिमेशन से, विजुअल से वगैरह वगैरह, तो देखेंगे यहां पर मुझे होम स्क्रीन पर कोई खास फर्क नजर नहीं आया अगर मैं उसको ऑक्सीजन ओएस 10 से कंपेयर करता हूं। देखेंगे सब कुछ ऑलमोस्ट आपको यहां पर सेम मिल रहा है, हां बस यहां पर थोड़ा क्लॉक थोड़ा बड़ा हो गया अगर आप नोटिस करते हैं तो कुछ वैसे है। और अगर ऐप ड्रॉअर की बात करूं तो यहां पर भी दोस्तों देखेंगे ऊपर हर चीज है और नीचे जो आइकन्स वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट आपको यहां पर सेम ही लग रहा है। लेकिन दोस्तों थोड़ा फर्क अगर अब मैं ऐप ओपन करता हूं, जैसे कि वेदर ऐप ओपन करता हूं, तो थोड़े बहुत फर्क आपको यहां पर दिखाई देगी, मतलब थोड़े आइकन्स या जो नंबर है वो थोड़े बड़े हो गए, बस ये थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं तो देखेंगे दोस्तों ऐसा कोई खास फर्क मुझे यहां पर नजर नहीं आया, तो बस थोड़ी बहुत चीजें आपको यहां पर ऊपर नीचे देखने को मिलेंगी। फाइल मैनेजर में देखेंगे दोस्तों यहां पर भी आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, सब कुछ आपको यहां पर एकदम सेम मिल रहा है। लेकिन गैलरी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा कलेक्शन है, स्टोरीज है और वगैरह की चीजें यहां पर ऐड कर दिए। अभी फिलहाल के लिए ज्यादा फोटो है नहीं तो वो रेकमेंड नहीं कर रहा है, तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर भी वैसे ही है लेकिन इंटरफेस में ऊपर नीचे कर दिया, और स्टोरीज वाला फीचर उन्होंने इस बार यहां पर ऐड कर दिया। अगर स्टोरीज की बात ही कर लेते तो वन यूआई के अंदर दोस्तों आपको वैसा फीचर मिल जाता है, आप देखेंगे इसमें आपको एक अलग से टैब मिलता है जो इसमें भी मिलेगा अगर फोटोज ज्यादा होते। लेकिन ऑक्सीजन ओएस 11 का जो गैलरी है वो थोड़ा बहुत सैमसंग के वन यूआई से मिलता जुलता है दोस्तों, इसमें भी स्टोरीज वगैरह के फीचर्स है और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा देखने में लगा कि थोड़ा सा सिमिलर है, वैसे ऐसा कोई मेजर मुझे फर्क यहां पर नजर नहीं आया। बाय द वे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं मल्टीटास्किंग मेन्यू की, तो अगर ऑक्सीजन ओएस से कंपेयर कर ले तो ये देखेंगे यहां पर आपको पहले थोड़ा बड़ा मिलता था, चौड़ा सा था, लेकिन इस बार देखेंगे थोड़े छोटे छोटे उन्होंने यहां पर कर दिए। और दूसरी चीज, हर ऐप के नीचे एक आइकन आपको मिलता है ताकि इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आप कौन से ऐप में यहां पर नेविगेट कर रहे हैं, तो ये चीज आपको पहले ऑक्सीजन ओएस 10 में नहीं मिल रही थी। लेकिन थोड़ा बहुत दोस्तों अगर मैं बात करता हूं वन यूआई की, तो ये देखेंगे दोस्तों ऐसा सेम आपको साइज मिल रही है और ऐसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, हालांकि वन यूआई थोड़ा और छोटा है लेकिन कहीं ना कहीं वो फील मुझे यहां पर दिखाई दे रहा था। बाय द वे दोस्तों पावर बटन अगर हम प्रेस एंड होल्ड करते हैं आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये पूरा उन्होंने टोटली यहां पर चेंज कर दिया, और इधर दोस्तों नीचे की तरफ आपको स्मार्ट होम कनेक्शन वाली चीजें दिखाई देगी जो फिलहाल के लिए अभी नहीं है, तो कुछ इस तरीके का चेंजेस किया। जबकि ऑक्सीजन ओएस 10 में मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूं तो आप देखेंगे इस तरीके के साइड से आपको एक छोटा सा बार देखने को मिलता था। अब सेटिंग्स मेन्यू की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा गेम है यहां पर, आप देखेंगे आपने क्लियरली नोटिस कर लिया रहेगा यहां पर, ये देखेंगे ऐसा लग रहा है कि सेम टू सेम वन यूआई जैसा ही है, आप देखेंगे वन हैंड ऑपरेशन के लिए उन्होंने यहां पर कर दिया है। बाय द वे कस्टमाइजेशन में अगर हम जाता हूं दोस्तों, तो अब इस बार दोस्तों आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आप देखेंगे क्लॉक स्टाइल में जाके आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, और ये दोस्तों डेली जो आप काम कर रहे हैं आपकी बैटरी कितनी है कैसी है उसके हिसाब से यहां पर ये चेंज होता रहता है, तो ये थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने यहां पर ऐड किए। पहले दोस्तों आपको एंबिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता था ऑक्सीजन ओएस 10 में, लेकिन इस बार आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है जो काफी बढ़िया लगता है। अगर मैं फोन को लॉक करता हूं तो आप देखेंगे लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको बता देगा कितने बार आपने अनलॉक किया, और साथ में आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन और बैटरी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, तो कुछ इस तरीके की चीजें उन्होंने यहां पर ऐड कर दी है, और थोड़े बहुत एनिमेशन उन्होंने यहां वहां जो वो चेंज कर दिए। और कस्टमाइजेशन में जाके दोस्तों आप देखेंगे थोड़े बहुत और आपको आइकन्स के कलर्स वगैरह चेंज करना, तो वो यहीं से आप इस बार आके आप चेंज कर सकते हैं। वैसे एक और चीज दोस्तों फॉन्ट की बात करेंगे तो इस बार आप देखेंगे नोटो सैन और वन प्लस सैन करके आपको मिल रहा है, और ये थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो गया, पहले आपको रोबोटो और वन प्लस स्लेट मिलता था वो इतना ज्यादा नहीं था कंपेयर टू ये नए वाले के जो देखने में थोड़ा
बड़ा भी लगता है और थोड़ा ज्यादा उन्होंने यहां पर उसको बोल्ड कर दिया। बाय द वे दोस्तों, वॉलपेपर्स की बात करेंगे, इस बार जो लाइव वॉलपेपर्स आपको मिल रहे हैं वो आपके दिन के टाइम के हिसाब से जो वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर मैं जाता हूं यहां पर कस्टमाइजेशन में और यहां पर वॉलपेपर्स में जाता हूं तो आप देखेंगे ये लाइव वॉलपेपर है दोस्तों जो अपने हिसाब से यहां पर चेंज होगा, जो कुछ इस तरीके की चीजें यहां पर आपको मिल जाती है। अब डार्क मोड की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत उन्होंने यहां पर डार्क मोड को इंप्रूव किया, थोड़ा और बेटर किया। साथ में आपको नोटिफिकेशन से यहां पर आप देखेंगे आप टॉगल कर सकते हैं इस तरीके से। और साथ में दोस्तों अगर मैं ऐप ओपन क्लोज की बात करता हूं तो उसमें भी अगर आप देखेंगे जो एनिमेशन से वहां पर वैसे मुझे कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो हाँ, कुछ इस तरीके की चीजें आपको यहां पर मिल जाती है। और साथ में जो जेन मोड है दोस्तों, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया, आपको तीन अलग अलग यहां पर जो थीम देखने को मिलती है और मल्टीपल सपोर्ट इस बार उन्होंने ऐड कर दिया है जो पहले आपको वैसे देखने को नहीं मिलता था। तो हाँ, थोड़ा बहुत यहां पर भी उन्होंने चेंजेस कर दिया है। साथ में मैसेजिंग और डायलर ऐप पे भी मुझे वैसे कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले, आप देखेंगे कुछ इस तरीके का। बस खाली फॉन्ट साइज कहीं कहीं उन्होंने बड़ी कर दी है वन हैंड ऑपरेशन के लिए। ये देखेंगे सर्च बार नीचे आ गया, पहले वो बहुत ऊपर था तो रीच करने के लिए थोड़ा इशू होता था, लेकिन अब देखेंगे वन हैंड के लिए उन्होंने कर दिया है। तो काफी सारा उनको ऐसा मतलब इंस्पिरेशन मिला है सैमसंग के वन यूआई से, जो अच्छा लग रहा है। साथ में डायलर भी देखेंगे दोस्तों तो यहां पर भी थोड़े बहुत चेंजेस है, मतलब ऐसा कोई आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहां पर वैसे मुझे कोई मेजर चेंजेस नहीं मिले। और जो नोटिफिकेशन पैनल है दोस्तों, इसमें भी मुझे वैसे कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिले, आप देख सकते बस मुझे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा यहां, बाकी तो सेम टू सेम है। लेकिन दोस्तों यहां पर अब उन्होंने क्या कर दिया कि आपको अब जो भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको यहां पर कैटेगरी वाइज दिखाई देगा, ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट होगी और नीचे की तरफ यहां पर अदर नोटिफिकेशन होगी। जैसे कि स्क्रीनशॉट देखेंगे अदर में चला गया और बाकी के जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज आपको मिल रहा है। बाकी यहां पर भी मुझे वैसे कोई चेंजेस नहीं दिखाई दिए। वैसे दोस्तों बात करते हैं यहां पर इसके कैमरे के इंटरफेस की, तो दोस्तों इंटरफेस देखेंगे कैमरे में सेम है, ऑक्सीजन ओएस 11 और 10 का यहां पर कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों तीन बड़ी बड़ी चीजें आपको यहां पर इस बार देखने को मिलती है। अगर मैं वीडियो में जाता हूं दोस्तों तो ऊपर की तरफ इस बार अगर आप देखेंगे तो आपको वीडियो पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट मिलता है। जी हां, तो आप यहां पर पोर्ट्रेट वीडियोस यहां पर निकाल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ये फिलहाल के लिए उन्होंने सिर्फ रियर में दिया है, सेल्फी में नहीं है। साथ में वीडियो नाइट मोड मिलता है, तो वीडियोग्राफी के लिए नाइट में मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छे वीडियोस यहां पर निकालने का मौका मिलेगा। तो ये दो चीज आपको देखने को मिलती जो पहले नहीं थी। साथ में यहां पर एक और चीज मिल जाती है, अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूं इस तरीके से तो उस पर्टिकुलर फोटो को आप यहां पर देखेंगे अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपको मिलती। तो वो पहले आपको ऑक्सीजन ओएस में नहीं मिलता था 10 में, जो आपको ऑक्सीजन ओएस 11 में मिलता है। बाय द वे कैमरा उसके अलावा सब कुछ यहां पर सेम है, उधर मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला था। फाइनल दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो दोस्तों ऑक्सीजन ओएस 10 से ऑक्सीजन ओएस 11 में मेजर कोई भी चेंजेस मुझे नहीं दिखाई दिए। थोड़े बहुत इधर उधर उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करे तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड जैसा जो फील आता था ऑक्सीजन ओएस 10 में, वो अब यहां पर इतना नहीं आ रहा है। आ रहा है लेकिन इतना यहां पर नहीं आ रहा है, वो थोड़ा हैवी लग रहा है मुझे अगर मैं ऑक्सीजन ओएस 10 से उसको कंपेयर करता हूं। और सैमसंग के वन यूआई से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन उन्होंने यहां पर लिया है। तो अगर अच्छी चीज है तो बुरी बात नहीं है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जो आपके लिए मेरे ख्याल से वन हैंड ऑपरेशन के लिए वो चीज सही रहेगी। बाकी ये अभी टेस्टिंग में दोस्तों, अब जब स्टेबल होगा तो और इंप्रूव होगा, और उसके बाद अगर वो ऑक्सीजन ओएस 10 जैसा ही रिस्पॉन्स देता है तो मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। तो ये था दोस्तों मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑक्सीजन ओएस 11 का। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।